हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। देओल परिवार इन दोनों ईशा की वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। हेमा मालिनी और ईशा देओल की जो चर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। इस बीच में करीना कपूर से विवाद की एक खबर हमने आपको दिखाई, जिसमें करीना कपूर को लेकर आखिर ईशा की कंट्रोवर्सी क्यों हुई थी, ये सभी के सामने आया। हालांकि ईशा और करीना कभी भी इस बात को बताना नहीं चाहते थे। यही वजह रही कि ना तो करीना ईशा देओल की शादी में आई और ना ही ईशा देओल ने करीना कपूर को अपनी शादी में अपनी बेस्ट फ्रेंड को इन्वाइट किया था। जब ये सवाल मीडिया कर्मियों ने पूछा ईशा देओल की दोस्त करीना कपूर से, तो करीना कपूर ने मामले को समेटने के लिए जो कुछ भी बयान दिया था वो बताते हैं। दरअसल जब करीना कपूर ईशा की शादी में नहीं पहुंची, तब करीना कपूर ने ईशा को लेकर जो खुलासे किए, जो इनविटेशन कार्ड को लेकर के सवाल पूछे गए थे, उस पर जो जवाब दिए वो सुनिए कि काफ़ी हैरान कर देने वाले थे। करीना कपूर और ईशा देओल बचपन के दोस्त थे, लेकिन कहा जाता है कि जायद खान की वजह से इनका ये रिश्ता टूट गया था। हालांकि करीना ने कभी भी इस बात को खुले तौर पर कबूला नहीं। करीना ने अक्सर इस बात को छुपाने की कोशिश की। दरअसल करीना कपूर और ईशा देओल दोनों ही एक दूसरे की शादी में नहीं आए थे। इस पर करीना ने जो कुछ भी जवाब दिया था उसके बारे में आज खुलासा हुआ है। करीना कपूर और ईशा देओल बचपन से ही एक ही स्कूल में साथ पढ़ा करती थी। यही वजह रही कि दोनों की पर्सनल बातें काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से शेयर होती थी। ईशा देओल करीना की ज़िंदगी के हर पल को जानती थी। यही नहीं, करीना और शाहिद के रिश्ते के बारे में भी ईशा को पता था। ईशा और करीना की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा गहरी थी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो करीना कपूर ने कुछ ऐसा किया था जिसके बाद ईशा देओल को काफ़ी बुरा लगा। वहीं इसके बाद ईशा ने करीना से दूरी बनानी शुरू कर दी। इसके अलावा ये भी कहा गया कि एक्टर जायद खान और उनकी बहन सुजैन खान की वजह से करीना और ईशा की दोस्ती टूटी है। एक इंटरव्यू के दौरान जब करीना कपूर से ये सवाल पूछा गया कि आखिर वो ईशा देओल की शादी में क्यों नहीं गई थी, ऐसे में ईशा देओल की शादी में ना जाने पर करीना ने पूरे मामले को संभाला। दरअसल ईशा देओल की शादी पर ना जाने पर करीना ने जो जवाब दिया वो काफ़ी हैरान कर देने वाला था। दरअसल कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब ये दावा किया गया कि करीना कपूर और उनकी फैमिली को ईशा देओल ने अपनी शादी में बुलाया ही नहीं। इस पर करीना ने कहा कि वो फिल्म शूटिंग में काफ़ी बिजी थी, उस वक्त हीरोइन की वो शूटिंग कर रही थी और 5 जुलाई को वो वापस लौटी थी, इसलिए वो ईशा की शादी में नहीं जा पाई। हालांकि करीना ने ये भी कहा कि ईशा देओल ने उन्हें शादी का न्योता जरूर भेजा था। देखा आपने कैसे करीना कपूर ने मामले को समझाया, लेकिन दावा ये किया जाता है कि ईशा देओल भी करीना कपूर की शादी में इस वजह से नहीं पहुँची थी क्योंकि बुलाया ही नहीं गया था। और साथ ही इन दोनों के विवाद के चर्चे भी खूब थे। साल 2005 में अमृता राव को ईशा ने थप्पड़ मारा था और कहा जाता है कि उसी वक्त करीना कपूर भी अमृता राव के काफ़ी क्लोज थी। अमृता राव के साथ इस तरीके का बर्ताव करने के बाद करीना को भी ईशा देओल बिल्कुल भी नहीं भाई थी। वाले इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहे नेक्स्ट नाइन लाइफ।